हे गाइज, आई एम रोशन एंड यू वॉचिंग टेक मनी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सीधा वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी लोन के लिए अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन सर्च करते हो तो दोस्तों ध्यान दें कि जितने भी एप्लीकेशन है वो सबके सब लगभग लगभग फ्रॉड ही आ रहे हैं। दोस्तों एप्लीकेशन सर्च करने से पहले ये देख लीजिए कि वो एप्लीकेशन आपको मेंबरशिप लेने के नाम पर आपसे पैसे तो नहीं ले रही। अगर ऐसे कोई भी एप्लीकेशन आपको पहले पैसे चार्ज करती है तो दोस्तों वैसे एप्लीकेशन को ना डाउनलोड करें और ना उसमें आप लोन के लिए अप्लाई करें और ना ही उसे आप पैसे दें, क्योंकि वैसे एप्लीकेशन आपसे पैसे ले लेंगे बट आपको लोन प्रोवाइड नहीं करते। चलिए लेकर आया हूँ एक ऐसा एप्लीकेशन जिसे आप मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर सीधा आप एक्सेप्ट क्लिक करना है और कुछ परमिशन को अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद इसमें आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। दोस्तों OTP आएगी यहाँ पर मोबाइल नंबर पे, आपको ये लॉगिन करके आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ कि ये एप्लीकेशन भी फ्रॉड है या फिर रियल, ये तो वीडियो के एंड तक मैं बता ही दूंगा। दोस्तों तो बने रहना वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों तो दोस्तों जैसा देख रहे हो मैंने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लिया। दोस्तों अब यहाँ आपको शो कर रहा हो कि 80,000 हमें लोन ये मैक्सिमम मतलब प्रोवाइड करती है। दोस्तों ये नीचे आपको मिनिमम 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 यानी मिनिमम आपको 5,000 ये लोन प्रोवाइड करती है। दोस्तों तो दोस्तों चलिए 5,000 या 80,000 यहाँ पर के लिए 5,000 आप 10,000 या 20,000 या 15,000 जिस पर आपको लोन के लिए चाहिए मैं करके यहाँ पर गेट नाउ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ माई इन्फॉर्मेशन है। माई इन्फॉर्मेशन में आपको ये चार ऑप्शन है जिसमें क्रेडिट ऑथराइजेशन है और बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बैंक इन्फॉर्मेशन है और कॉन्टैक्ट पर्सन इन्फॉर्मेशन है। ये चार आपको फिल करने हैं। दोस्तों फिल करने के बाद आपको लोन का प्रोसेस जो है वो सबमिट हो जाएगा। दोस्तों चलिए पहला फिल कर लेते हैं। पहला में आपको आधार कार्ड का फ्रंट, आधार कार्ड का बैक, आधार कार्ड का नंबर और प्लीज़ चूज योर जेंडर इतना अपलोड करना है। नीचे आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, पैन कार्ड का पूरा डिटेल अपलोड करना है। इतना करने बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों दोस्तों मैंने पहला फिल कर दिया। दूसरा अब आते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर आपको चूज करना है पहले मैरिड अनमैरिड जो भी हो। उसके बाद आपको देना है यहाँ पर लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज कौन सी आती है। उसके बाद फिर आपको देना है लोन पर्पस, आप किसके लिए किस लिए लोन लेना चाहते हो, फैमिली, मेडिकल, इन्वेस्टमेंट, ट्रैवल, ट्रैफिक, एजुकेशन, शॉपिंग, बिल, फिटनेस या अदर कुछ भी। दूसरा बोल रहा है एजुकेशन, एजुकेशन में आप बोल रहे हैं प्लीज सेलेक्ट आप कितने पढ़े लिखे हो, 10th 12th जो भी हो आपके तो वो डाल देना है। तीसरा आपको बोल रहा है दोस्तों यहाँ रिलीजन में आप क्या हो, हिंदू मुस्लिम जो भी हो वो डालनी है। चौथा आपको बोल रहा है कि यहाँ पर आप क्या करते हो, स्टूडेंट हो या फिर क्या काम करते हो, फार्मल हो क्या हो, आपकी मंथली इनकम सैलरी कितनी है। तो मैं 10,000 डाल देता हूँ दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों इस पूरे एप्लीकेशन को ऐसे ही फिल कर लेना है। फिल करने के बाद सिंपली आपको करना है नेक्स्ट। तो दोस्तों सारा डिटेल मैंने फिल कर लिया। नीचे देखना ऑप्शन में दो ऑप्शन आ रहा है, एक सैलरी स्लिप का जो कि ऑप्शनल है, एक 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, ये ऑप्शन है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते। दोस्तों बाकी सब कुछ मैंने भर लिया है, सिंपली ऐसे ही आपको भरना है। आप कंटिन्यू पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ मैंने हाउस नंबर छोड़ रखा है, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। दोस्तों ये फॉर्म भरने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब आते हैं देखिए दोस्तों बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, जहाँ आपको बैंक अकाउंट का नाम नंबर मतलब नंबर नाम देना है, नीचे आपको अकाउंट नंबर, तीसरा IFSC कोड, इसे फिल करके आपको अगले दोस्तों बैंक इन्फॉर्मेशन फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन आता है जिसमें आपको फैमिली में किसी का भी आपको यहाँ पर दो नंबर अपलोड आपको करने हैं। दोस्तों उसके नाम लिखना है और दो नंबर अपलोड करना है। दोस्तों चलिए इसे भी फिल करके आप कंटिन्यू करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हो मैंने सारा डिटेल फिल कर लिया, आपको वैसे ही फिल कर लेना है। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेसिंग ले रहा है। प्रोसेसिंग लेने के बाद ये थोड़ी देर में मुझे शो कर देगा कि मुझे कितने के लिए लोन अप्लाई है यहाँ पर मतलब अप्रूवल हो पाए हैं। जो एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन हैज बीन सबमिट हो चुकी है, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन और प्रोसेसिंग। चलिए अब कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ मुझे शो कर रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको लोन मिल जाएगा। नीचे यहाँ कर रहा है गेट मनी नाउ पे आप क्लिक करोगे तो मुझे प्रीमियम लेने के लिए बता रहा है, मेंबरशिप लेने के लिए बोल रहा है। तो इसमें आपको 35,000 का तक आपको मुझे लोन मिला है, जिसमें मुझे 299 रुपये और 399 या फिर 499 का मुझे मेंबरशिप लेना है। दोस्तों तो दोस्तों यहाँ मेंबरशिप की बात आती है तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ एप्लीकेशन जो है वो फ्रॉड है। तो दोस्तों ऐसे एप्लीकेशन को आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें। चलिए इसकी रिव्यू की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन का नाम बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन की जो नाम है वो नाम है जस्ट कैश एप्लीकेशन। ये प्ले स्टोर पर भी नहीं आई है, आपको मिल जाएगी। इसके रिव्यू में जाके आप जब रिव्यू पर क्लिक करोगे तो 1 रेटिंग में जाके आप यहाँ देख लोगे सभी ने ये लिख रखा है, यह एप्लीकेशन जो अच्छी नहीं है वो फ्रॉड एप्लीकेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।